Good morning, student. Myself, S.V. Dubil. Today, I am going to start chapter 3, countable and uncountable nouns. Okay? Countable and uncountable noun. Countable noun, क्या होता है? Countable nouns are names of items that can be counted. They may be singular or plural. Countable noun हम उसको कहते हैं जिसको हम count कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं. ऐसे चीज जिनको हम गिन सकते हैं वो क्या होता है? हमारा countable noun होता है. और countable noun जो होता है वो singular और plural दोनों हो सकता है. Singular भी होगा, plural भी होगा. ठीक है? जैसे कोई example है, pen, trees, pen. एक pen हो गया, trees एक से ज्यादा हो, pen भी होगा. लेकिन ट्रीज को हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है? ये हमारे काउंटेबल नाउन की एग्जांपल है, ट्री, प्लेट्स, पेन, ईटीसी. और भी अनकाउंटेबल नाउन. व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ आइटम्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. दे ऑलवेज सिंगुलर, यह हमेशा सिंगुलर होता है. जिसको हम गिन नहीं सकते वो हमारा होता है अनकाउंटेबल. जैसे एग्जाम्पल ग्रास, स्काई. ग्रास को हम गिन सकते हैं? कितने ग्रास गिनेंगे हम? नहीं गिन सकते. स्काई, आसमान. वाटर, पानी. पानी को काउंट किया जा सकता है? नहीं. जितने भी लिक्विड चीज होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है. क्लियर? मिल्क, ईटीसी. तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको बताया गया. और आपको यहाँ अच्छे से राइट भी है, इसको आपके बुक में भी दिया गया है समझाने के लिए. आप राइट किया गया, ठीक है? तो वो चीज़ें आप वहाँ से भी राइट कर सकते हो और तैयार कर सकते हो. ठीक है? तो ये चीज़ें आप तैयार करेंगे अच्छे से घर पे और इसको समझने का प्रयास करेंगे. और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, बस इतनी सी बात याद रखो. काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन. जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट बी काउंटेड, वो हमारा क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन. जिसको हम गिन नहीं सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन उसको होगा. ठीक है ना? तो इस तरह से हमको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमने पढ़ा. क्लियर? आप इसको तैयार करेंगे अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे. नेक्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज आपको बताया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस.